जनपद से बड़ी खबर है। संजय निषाद का मदरसों पर बड़ा बयान सामने आया और कह रहे हैं मदरसों से ही मिलते हैं अपराधी आतंकवादियों के लिंक। मदरसों में पढ़ाया जाता है उन्माद करना, संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। सर्वे होने के बाद बच्चों को मिलेगी शिक्षा और ज्ञान। तो जो मदरसों में सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर संजय निषाद ने बागपत में ये बयान दिया है। निश्चित रूप से जब भी कोई आतंकवाद मिला है अब तक का, देख लो कहाँ से मिला है, जो भी सबके लिंक मदरसे से मिले हैं, जो भी अपराधी मिले हैं आतंकवादी मिले हैं उनके भी लिंक वहीं से मिले हैं। तो इस पर तो उन्हें सुधरना चाहिए ना, उनको अपने दाग को धोना चाहिए कि आज के दिन में सर्वे हो रहा है कि उनको शिक्षा ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाए, केवल वहाँ उन्माद न पढ़ाया जाए। इसलिए आज अगर मुसलमान के बच्चों को शिक्षा देने के लिए विचार कर रही भाजपा, उनके बच्चों को बेहतर विकास की धारा लेने में काम कर रही भाजपा, तो ये मुल्ला लोग सोच रहे हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो फिर हमारी बात को वो लोग स्वीकार कर देंगे, हमारी बात पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उन्माद नहीं फैलाएंगे।